भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते, किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं, किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक वक्त का ध्यान रखते हैं। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है, किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है?